सोचो कैसा कटेगा आपका सफर जब पूरी खाली ट्रेन में आप अकेले सफर कर रहे हो। अक्सर सुनसान सफर में ट्रेन की रफ्तार डरावनी लगने लग जाती है, और अगर ऐसे ही सफर में अचानक कोई अनजान आपके सामने आ जाए, आपसे बात करने लगे और पलक झपकते ही कहीं गायब हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है 9 PM वीकली चैनल के इस भूतहा एपिसोड में। वो रोज की तरह आज भी अपनी प्राइवेट ट्यूशंस खत्म करके घर लौट रहा था। मुंबई में रहने वाले मुंबईकर अक्सर मुंबई की लोकल ट्रेन पर ही सफर करना पसंद करते हैं। 18 साल की उम्र का वो लड़का आम लड़कों जैसा ही था, मस्ती खोर, बेफिकर। ट्रेन में सफर करते वक्त दरवाजे पर लटकना, बाहर झूलना, मस्ती करना, ये सब उसके लिए एक आदत सी बन गई थी। उसे ये नहीं पता था जो वो कर रहा है इससे उसे जान का खतरा हो सकता है, लेकिन आज कुछ अलग था। आज जिस लोकल ट्रेन में वो सफर कर रहा था वो तकरीबन आधी खाली थी। रात धीरे धीरे बढ़ रही थी और लोकल अपनी पूरी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। हवा को चीरती हुई लोकल ऐसे भाग रही थी मानो आज समय से पहले ही पहुंचना हो इसे। मुंबई की फास्ट लोकल होने के कारण ये ट्रेन हर स्टेशन पर नहीं रुकती, लेकिन जैसे जैसे लोकल एक के बाद एक स्टेशन को चीरते हुए जा रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे ट्रेन अपने आपे में ना हो, जैसे कोई और इसे चला रहा हो। दरवाजे पर खड़े लड़के की हरकतों को देखकर अचानक से एक आदमी ठीक उसके सामने दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा हो गया और लड़के से बोला, बहुत मजा आता है ना ये सब करने में, दरवाजे पर लटकना, हाथ बाहर करना। लड़के ने आदमी को बोला, अंकल पूरे दिन दिमाग का दही करने के बाद एक यही तो जरिया है जिससे मैं अपना मन बहलाता हूं। यह सुनकर आदमी मन ही मन मुस्कुराया और बोला, मैं भी किया करता था, लेकिन एक दिन इसी दरवाजे के हैंडल से मेरा हाथ फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। आदमी की बात सुनकर लड़का थोड़ा घबराया और विनम्रता से पूछा, अंकल फिर किसी ने आपकी मदद नहीं करी? आदमी मन ही मन फिर मुस्कुराया और बोला, काश उस वक्त ऐसी ही रात ना होती। ठीक उसी वक्त लड़के को घर से फोन आया। लड़के ने फोन उठाने के लिए मुंह नीचे किया और जब वापस सामने देखा तो वो आदमी कहीं नहीं था, जैसे मानो कोई सामने था ही नहीं। आश्चर्य की बात तो ये है कि खाली ट्रेन में जब ट्रेन कहीं रुकी ही नहीं तो आदमी कौन था? क्या वो आदमी लड़के को समझाने आया था कि ऐसे स्टंट चलती ट्रेन में ना करें? क्या उसने जो अपनी कहानी बताई क्या वो पूरी तरह सच है? क्या वो उस आदमी की रूह थी जो लोकल ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया था? क्या आज भी ऐसी रूहानी ताकतें होती हैं जो मरने के बाद भी लोगों को सतर्क करती हैं कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो? हमारी पूरी टीम की तरफ से अनुरोध है कि लोकल ट्रेन में सफ़र करते वक्त अपना ख्याल रखें और ऐसे स्टंट्स ना करें जो आपके लिए जानलेवा बन जाए। मिलते हैं अगले संडे एक नई रोमांचक कहानी के साथ।